Dear students, now we'll revise the exercise of your chapter three Editing Text in MS Word 2010. This chapter questions your exercise part is key revision. First, fill in the blanks. Your first question is the shortcut key to select the entire document is. पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है आंसर इज कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ए इज़ द शॉर्टकट सेकंड क्वेश्चन अगर एक टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी आपको बनाना है तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे वो कमांड है कॉपी एंड पेस्ट कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दस्ट कॉपी एंड पेस्ट है इससे हमको डुप्लीकेट कॉपी आप बना सकते हैं नेक्स्ट द डैश कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द लास्ट कमांड जो लास्ट कमांड आपने दिया है उसको रिवर्स करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है अंडू अंडू कमांड से क्या होगा जो लास्ट कमांड आपने किया था उस वो रिवर्स हो जाएगा ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं एक ना आपकी लेफ्ट साइड का डिलीट करेंगे एक राइट साइड डिलीट करेंगे तो वो कीज है एक बैक पेज नेक्स्ट वन डिलीट ये दोनों की इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कमेंस उसको ओरिजिनल मतलब कोई और पोजिशन में लेके जाने के लिए कौन सा कमेंट यूज करते हैं कमेंट है कट तो करके पेस्ट करोगे ना तो वो उसकी ओरिजिनल पोजिशन से निकल जाएंगे ये कमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो नाउ नेक्स्ट आंसर करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इंसर्टिंग टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट को इंसर्ट करना इंसर्ट करने का मतलब है ऐड करना तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन डिलीटिंग एडिंग शिफ्टिंग नन ऑफ इसमें आंसर है एडिंग तो ये सही है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश अ वर्ड टू सेलेक्ट इट डैश इज अ वर्ड टू सेलेक्ट इट अगर है ना कोई वर्ड है ना सेलेक्ट करना है तो आप क्या करना है ट्रिपल क्लिक नन ऑफ दिस अगर एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आपको उसमें डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करोगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएंगे तो आंसर है डबल क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं दैट्स क्वेश्चन शॉर्टकट आपको ने ऑप्शंस दिया है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल नन ऑफ दिस तो इसमें आंसर है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस सी करोगे तो क्या हो जाएगा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएंगे नेक्स्ट द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट द एनटायर डॉक्यूमेंट इज अगर एक पूरी डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस एक्स नन ऑफ दिस इसमें आंसर है कंट्रोल प्लस ए लास्ट क्वेश्चन डैश ऑप्शन इज डिस्प्लेड वेन यू क्लिक ओवर टाइप अगर ओवर टाइप आप क्लिक करोगे ना कौन सा ऑप्शन आएंगे आंसर है एट ओवर टाइप इंसर्ट नन ऑफ दिस टाइप ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो इंसर्ट आएंगे ठीक है इंसर्ट ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड रिवाइज टिक और टिक्रोस फर्स्ट क्वेश्चन कट ऑप्शन रिमूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन कट ऑप्शन है ना टेक्स्ट को ओरिजिनल पोजीशन से निकालेंगे ये क्या है दिस इज ट्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कट एंड पेस्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप कट एंड पेस्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल है मैंने आपको दिखाया था जब मैं ना वो चैप्टर आपको दिखा रहे थे तो कट एंड पेस्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में ही आपको मिलता है ये सही है नेक्स्ट टू सेलेक्ट अ वर्ड यू ट्रिपल क्लिक इट एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना है बोलते हैं ऐसे कोई क्लिक नहीं है ट्रिपल क्लिक सिंगल क्लिक और डबल क्लिक है तो ट्रिपल क्लिक इज इन करेक्ट आंसर ये गलत होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट की ड नॉट वर्क इन एम एस वर्ड एमएस वर्ड में डिलीट की काम नहीं करते हैं नहीं है डिलीट की काम करते हैं इससे आप क्या कर सकते हो टेक्स वगैरह डिलीट कर सकते हैं इट इज रॉन्ग नेक्स्ट दटन इज प्रेजेंट ऑन द क्यूक एक्सेस टूल बार अंडू बटन क्यूक एक्सेस टूल बार में मिलते हैं बोलते हैं इट इज करेक्ट ये क्यूक एक्सेस टूल बार जो ऊपर है उस टूल बार में आपको मिल जाता है नाउल क्वेश्चन Answer the following. Your first question is, what are the uses of undo and redo button? Undo or redo button ki kya kaam hai Answer, undo re reverses the last given command. Redo reverses the last given undo command. So, समझना अपने देखो, undo क्या करेंगे? जो last command आपने दिया है, उसको reverse करेंगे, उसको वापस लेंगे। और redo क्या करेंगे? जो last आपने undo command दिया है, उसको reverse करेंगे। उसको अगर आपने अंडू किया था उसको रिवर्स करेंगे अंडू किया करेंगे लास्ट जो भी कमेंट दिया है उसको रिवर्स करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एंड मूविंग टेक्स्ट कॉपिइंग और मूविंग टेक्स्ट में क्या फर्क है आंसर कॉपिइंग जस्ट क्रिएट्स ए डुप्लीकेट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज सेलेक्टेड एंड डज नॉट चेंज द टेक्स्ट और लोकेशन Moving simply moves the text from its original position to another location. तो copying मतलब duplicate copy बनाएंगे जो टेक्स किया, किया था उसकी duplicate copy बनाएंगे वो क्या चेंज नहीं करेंगे टेक्स्ट को चेंज नहीं करेंगे लोकेशन भी चेंज नहीं करेंगे पहले जहां पे था वहां पर भी एक कॉपी रहेगा और जहां पर आप लेकर जा रहे हो वहां पर भी एक कॉपी करेगा लगेगा दोनों में ना दो कॉपी करेंगे ना कोई चेंजेस नहीं आएंगे सेम टेक्स्ट होगा दोनों लोकेशन में हो जाएंगे लेकिन मूविंग क्या करेंगे मूविंग सिंपली द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन से दूसरी पोजिशन में चले जाएंगे बाद में ना उसकी ओरिजिनल पोजिशन है वहां में वो टेक्स्ट फिर नहीं रहेगा एकदम न, वो है ना दूसरी जगह में चली जाएंगे थर्ड क्वेश्चन हाउ कैन यू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है मतलब बहुत सारी टेक्स्ट है उसको इकट्ठे कैसे डिलीट करेंगे आंसर टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फर्स्ट सेलेक्ट दी एंटियर टेक्स्ट सेकंड प्रेस डिलीट और बैकस्पेस की तो करना क्या है जितने आपको डिलीट करना है उस सभी को सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट दो तरीके से आप कर सकते हो माउस इस्तेमाल करके ड्रैग करके कर सकते हो या फिर कीबोर्ड की जो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एरो की ये इस्तेमाल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोनों की आप दबा सकते हो वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा या स्पेस लगा लगा आपने दबाना है या फिर डिलीट की दबाना है तो वो टेक्स्ट निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट स्टेप्स टू कॉपी पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट टू अनदर पेज एक पैराग्राफ uh, एक पेज से दूसरी पेज में लेके जाने के लिए क्या स्टेप्स है वो लिखना है ये मैंने आपको दिखाया था कैसे करता है आंसर देखो स्टेप टू कॉपी पैराग्राफ टेक्स टू अनादर पेज फर्स्ट वन सेलेक्ट दैराग्राफ टू बी कॉपी कमेंट फ्रॉम क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैप प्लेस दर्सर देजीड से क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैप करना इतना ही है फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी कॉपी जो पैराग्राफ आपने ना कॉपी करना है तो वो सेलेक्ट करो सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द क्लिप बोर्ड आपने इन्हें कॉपी कमेंड सेलेक्ट करना है कहां से क्लिप बोर्ड ग्रुप होम टैप में होगा लेकिन मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे हैं देखो आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं आप कंट्रोल सी दबाकर भी क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं या फिर कॉपी कमेंड है जो ऊपर आपको टैब में मिलेगा होम टैब में उसमें से आप निकाल सकते हो जहां पर क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब अब होम टैप की क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाना है वहां में पेस्ट ऑप्शन होगा मैं आपको दिखाया था वीडियो में लास्ट जो लास्ट वीडियो में तो वहां में आपने क्लिक करना है ये जो सारा टेक्स्ट है वो एक पेज से दूसरी पेज में

आपने रफ बुक में लिखे इसको पढ़ना है एंड यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन सितंबर ओके तो इसका मतलब ये हमारी ये तीनों चैप्टर जो है कंप्यूटर का उसकी रिविशन हो जाएंगे अगर इस इसकी रिविशन भी खत्म हो गया तो तो आपने अच्छे से पढ़ना है तीनों चैप्टर आपको एग्जाम में आएंगे ओके थैंक यू